तो फील गेम फैमिली, आज आप लोग एक और फैमिली का गेम प्ले देखने जा रहे हो और उस फैमिली का नाम आपको पता है, उसका नाम है टीम ब्लडलाइन। तो आज टीम ब्लडलाइन के सारे मेंबर्स एलिमिनेशन चेंबर के अंदर फाइट करेंगे और जो भी आज जीता उसको भाई मैं आज फील गेम पर अनाउंस कर दूंगा कि वो आज के लिए ब्लडलाइन का लीडर है। तो ऐसे तो रियल लाइफ में रोमन रेंस लीडर है, लेकिन आज सोलो सिकावा से लेकर पॉल हेमन तक के पास मौका है एक दिन का ब्लडलाइन का लीडर बनने का। तो चलिए देखते हैं भाई कि एक नंबर पे कौन आता है, छह नंबर पे कौन निकलता है, सबकी अपनी अपनी किस्मत। लेकिन ये मैच जो भी जीता उसे मैं अरमान आज एक्नॉलेज करूंगा भाई। और फेल गेम फैमिली, अगर आपको टीम ब्लडलाइन पसंद है तो लाइक ठोको, और अगर मैं आपको पसंद हूं तो आपने अभी तक लाइक कर ही लिया होगा मेरे भाई। और अगर आप नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन साथ ही साथ दबाओ, ताकि ऐसी ऊट पटांग और अतरंगी मैचेस आपको देखने मिले जो आपको रियल लाइफ में देखने नहीं मिलते। मैं हूं ना, मैं दिखाऊंगा आपको। पहले दो सुपरस्टार्स जो भी रहे वो नहीं जीतने वाले। तो पहले दो सुपरस्टार्स हैं ऑनररी उस और जेउस और मैक्सम। ओ भाई क्या चालू हुआ है मैच। तो ऑनररी उस यानी कि सैमी ज़ेन के पास पूरा मौका है। जितनी इंसल्ट की है जेउस ने, जितनी बेइज्जती मारी है रियल लाइफ में, आज पूरा बदला लेंगे भाई ऑनररी उस। और गलती से अगर सैमी ज़ेन आज जीत गई है एलिमिनेशन चेंबर तो ऑनररी उस से डायरेक्ट हेड ऑफ द टेबल। ओ भाई साहब खतरनाक। मैं तो मान लूंगा कि आज के लिए सैमी हेड ऑफ द टेबल है, लेकिन मैच जीतना पड़ेगा क्योंकि जेउस जीतने नहीं देंगे। लग रहा नहीं मेरे को वी द वंस की टी शर्ट पहनी हुई जेउस ने, लेकिन आज वी द वंस नहीं है। इस मैच में सब अकेले हैं फिलहाल, अकेले अकेले आएंगे और अकेले अकेले एलिमिनेट होके जाते रहेंगे। फर्स्ट फिनिशर जेउस देने जा रहा, उसको स्प्लैश कनेक्ट नहीं हुआ, सैमी ने फिनिशर छीन लिया है। सैमी बदला लेने के पूरे मूड में, मुझे लग रहा है कि सैमी एलिमिनेट करेगा। हेलुआ किक लगा दिया भाई, पर एलिमिनेट नहीं होना चाहिए अभी, इतनी जल्दी तो लगता नहीं कि एलिमिनेट होगा। रेफरी स्क्वाश कर देता भाई, खतरनाक बदला होता। नहीं सैमी ज़ेन को सब बोलते कि क्या बदला लिया है सैमी ने, स्क्वाश कर दिया जेउस को। उसो स्प्लैश की जगह सैमी ऑनररी स्प्लैश दे रहा है। वाह, असल कॉपी तो भाई सैमी ज़ेन मार रहा है, कॉपी पेस्ट कर रहा है सैमी ज़ेन। वाह सैमी वाह, रोमन देखकर खुश हो रहे होंगे। क्या अच्छा ही है, लोग एलिमिनेट हो जा रहे हैं। अगला आदमी कौन आने वाला है? क्या रोमन उछल रहे हैं? मुझे लग रहा है कि रोमन निकलने वाले हैं बाहर। और इधर सैमी ज़ेन ने धुलाई कर रखी है जेउस, बहुत फिट गया है बॉडी येलो। कौन आने वाला है? थर्ड नंबर किसका है? सोलो सिकावा आ रहे, सैमी ज़ेन से अच्छी बनती है ना, लेकिन मैच के अंदर बनेगी। उसो स्प्लैश कनेक्ट हो गया, इस बार ही कनेक्ट हो गया है सैमी ज़ेन की बॉडी येलो। सोलो सिकावा जेउस को मारने जा रहे। ओ भाई अच्छा सैमी ज़ेन की तरफ नहीं है, गेम के अंदर भी दोस्ती निभा रहे हैं। जेउस के अपने छोटे भाई है सोलो सिकावा, लेकिन आज मैच के अंदर कोई रिश्ता नहीं। मैच के बाद आना, चाय बिस्किट खिलाएगा जेउस, लेकिन आज कुछ नहीं, आज अपने लिए खेलेगा जेउस। अपने पापा रिकीशी का मूव यूज करते हुए, जेउस की बॉडी वैसी नहीं है रिकीशी जैसी, रिकीशी देते तो ज्यादा खतरनाक लगता। नहीं ओ भाई, वो तो देखेंगे किसी दिन हम लोग, लेकिन फिलहाल सैमी और सोलो सिकावा जेउस के अगेंस्ट है। ये रियल लाइफ में होना चाहिए, पता है जेउस दुश्मन बन जाए और सोलो और सैमी मिल के मारे जेउस को, ये खतरनाक स्टोरी बनेगी। जो गेम में फिलहाल फ्यूचर तो नहीं दिखा रहा है गेम अपने को, जेउस देख रहे हो दोनों के तरफ है। जेउस को पता है कि सोलो भी अपना नहीं है, सोलो ज्यादा सैमी से इनका है। सैमी और सोलो मिलकर एलिमिनेट कर देंगे जेउस को भाई, मुझे लग रहा है। पावर बॉम्ब पिनफॉल करना चाहिए था सोलो और सैमी, अभी तक लड़े नहीं है, अभी तक फिलहाल अभी तक तो नहीं लड़े, लेकिन सोलो की नियत मुझे सही नहीं लग रही। एक और हेलुआ किक, नहीं ड्रॉप किक मारा है, मेरे को लगा हेलुआ किक मारने जा रहे हैं, लेकिन फाइनली सोलो वर्सेस सैमी, सैमी ने रिवर्स कर दिया। कौन निकलने वाला है? पॉली निकल के बाहर आ रहे हैं। आज पॉली के पास भी चांस है कि वो आज हेड ऑफ द टेबल बन सकते हैं। रोमन और जिमी उसो नहीं निकले, पॉली वर्सेस रोमन रेंस लास्ट में हो जाए भाई, वाइज मैन वर्सेस ट्राइबल चीफ, क्या ही मजा है। लेकिन उससे पहले अगर पॉल पे एलिमिनेट हो गए तो अलग बात है। रोमन अभी तक बाहर नहीं आया है, रोमन जॉगिंग कर रहे हैं पॉट के अंदर, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया रोमन। हेलुआ किक लगा दिया, पॉली को लग गया हेलुआ किक। बेचारे मेरे पॉली को ऐसे ना मारो, रोमन को एटलीस्ट आने दो, पिनफॉल नहीं होना चाहिए। और इधर छोटू को यानी कि सोलो को पड़ा है सुपर किक, ब्लू थंडर पावर बॉम्ब जो आई थिंक एलिमिनेट होने वाला है, ये सिग्नेचर था सैमी का। सैमी पिनफॉल नहीं किया, सैमी ने गलती कर दी, पिनफॉल करवा लेना चाहिए था, जेउस अब मौका नहीं देगा। चारों पिट गया, रोमन वेट कर रहे कि अरे मेरा नंबर कब आएगा। हाँ असली हेड ऑफ द टेबल को तो बाहर आने दो, सैमी गया लगता है।
इस उसो स्प्लैश के बाद सैमी एलिमिनेट हो सकता है। ऑलमोस्ट बचा भाई, ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो गया था। और इधर पॉली वर्सेस सोलो सिकावा, लेकिन पार्टी चेंज फिर से, सैमी जेन वर्सेस पॉली, और फिनिशर देने जा रहे लेकिन नहीं दे पाएंगे। अच्छी जगह से दो, पॉली का फिनिशर ऐसा है ना जो रास्ते में आ गया तो नहीं दे पाएंगे। सैमी का पिनफॉल हो रहा है, सैमी एलिमिनेट हो गया है, और कोई निकलने वाला है? कौन निकलेगा? रोमन जिमी, कौन आएगा बाहर? अब तो पक्का ट्राइबल चीफ निकलने वाले हैं, सेकंड लास्ट में निकलेंगे, जीतने के अच्छे चांसेस हैं। जिमी उसो निकल गया, रोमन भाई हेड ऑफ द टेबल, इसका क्या मतलब? सबसे आखिरी में आएंगे, अच्छा लीडर है ना इसलिए सबसे लास्ट में आएंगे। एक आदमी एलिमिनेट भी हो चुका है, ब्रदर वर्सेस ब्रदर, जे उसो वर्सेस जिमी उसो। ऐसे सोलो सिकावा भी ब्रदर ही है, लेकिन जे और जिमी की बात अलग है, दोनों जुड़वा है ना, तो ये ज्यादा खतरनाक दिखता है। जे वर्सेस जिमी, जे एलिमिनेट होने वाला है, जे उसो टाटा होते होते बचा। और इधर सोलो पॉली को मार रहे हैं, पॉली को एलिमिनेट मत करो, एटलीस्ट रोमन को बाहर आने दो, उसके बाद अगर हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी मत करो। जे उसो, अगर उसो स्प्लैश लगा, बूम गए, जे उसो गए टाटा। और इधर जे उसो एलिमिनेट हो गए, पॉली ने रिवर्स कर दिया है, सोलो को पिनफॉल करवा रहे हैं। रोमन अभी तक बाहर भी नहीं आए, दो आदमी एलिमिनेट हो चुके हैं, सैमी ज़ेन और जे उसो, दो आदमी का टाटा बाय बाय गुड बाय हो गया। ये खतरनाक था, लेकिन अभी भी तीन आदमी बचे, और जिमी उसो को फिनिशर, पॉली ने लगा दिया फिनिशर, पहला फिनिशर पॉली का लगा है सक्सेसफुली। जिमी का टू हो गया फिनिशर से, टू नहीं होना चाहिए था क्योंकि बॉडी पार्ट डैमेज है नहीं। तो फाइनली हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ बाहर आने वाले हैं। पॉली का फिनिशर बार बार ना गड़बड़ा जाता है, सही से दिया करो पॉली, एक ही फिनिशर दे पाए जबकि कोशिश तीन बार की है। तो फाइनली रोमन आ रहे, रोमन अंदर नहीं घुसे, रोमन देख रहे कि कौन कौन लोग बच गए, जिमी को टारगेट बनाया शायद रोमन ने। और ये क्या किया, अरे जिमी ने पॉइजन मिस्ट मार दिया भाई सोलो को, सोलो के साथ हो गया है कांड, तीखी चटनी मारी है सोलो को, और गिलिटी रिवर्स कर दिया भाई साहब, रिवर्स कर दिया। लेकिन सोलो का मुंह देखो एक बार, हरा भरा कर दिया यार, ऐसे कोई हरी चटनी मारता है छोटे भाई के मुंह पर? मैंने मजाक से बोला था कि जी उसको मैच के बाद चाय बिस्किट खिलाएंगे। और इधर पॉल एमन एलिमिनेट हो चुके हैं, ये तो मैच के बीच में यार हरी चटनी खिला रहा है जिमी उसो। जिमी उसो भाई का प्यार अच्छा है, लेकिन ऐसे कौन खिलाता है हरी चटनी, मुंह पे ही मार दी पूरी। रोमन पिट रहे हैं, लेकिन रोमन की हेल्थ अभी सबसे ज्यादा है, जिमी उसो की भी हेल्थ ऑलमोस्ट ठीक ही है, हेड येलो है, ये छोटू कभी भी जा सकता है, यानी कि सोलो सिकावा। इसका मुंह कैसे साफ हो गया, ओ भाई ये कौन सा ग्लिच है, गया गया। स्पीयर आउट ऑफ नोवेयर आजकल बार बार देखने मिल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ओ भाई साहब किक आउट कर दिया, खतरनाक, मुझे यकीन नहीं हो रहा है सोलो सिकावा ने भाई किक आउट कर दिया, खतरनाक। इतनी मार खाने के बाद, रोमन की स्पीयर के बाद हेड ऑफ द टेबल बनने की बड़ी चाहत है इसके अंदर, चलो देख लेते हैं। जो भी आज मैच जीता, तो जैसी शर्त है मैच की, मैं उसको बोलूंगा कि वो असली हेड ऑफ द टेबल है आज के लिए, वो ब्लड लाइन का लीडर है सिर्फ आज के लिए, लेकिन है। तो सोलो के पास भी मौका है, जिमी के पास भी मौका है, जिमी खड़ा होकर स्टाइल मार रहा है, रोमन और सोलो को लड़ने दे रहा है, अच्छी स्ट्रैटेजी है, हेल्थ बचाओ, बहुत बढ़िया। रोमन स्टंड होने वाले हैं, असली हेड ऑफ द टेबल जो है, दोनों भाई मिलकर, दोनों अपने भाई मिलकर कजन को ओके उसो स्प्लैश बचा लिया, रोमन ने बचा लिया फिनिशर, रोमन लेकिन स्टंड हो चुके हैं इस घुसे और तमाचे के बाद, स्टंड है रोमन। पर सोलो वर्सेस जिमी उसो के चक्कर में रोमन बचे हुए, उसो स्प्लैश देने जा रहा है, सोलो ने लगाया फिनिशर, कनेक्ट हो गया, पर आई डोंट थिंक कि जिमी अभी जाएगा, जिमी गया नहीं, पर सोलो जा सकता है। रोमन बहुत गलत टाइम चुना है, बहुत गलत टाइम चुना भाई स्टाइल मारने के लिए, सोलो इसका फायदा उठा सकता है, सोलो के पास फिनिशर है, सोलो अगर फिनिशर लगाता है, रोमन अभी एलिमिनेट नहीं होने चाहिए, लेकिन सोलो बहुत फिनिशर लगा रहा है, एक और उसो स्प्लैश, सोलो छाया हुआ है पूरे मैच में, पर पिनफॉल नहीं करवा पा रहा है ना, दिक्कत ये है, सोलो और जिमी उसो के पास सिग्नेचर है, रोमन के पास ना सिग्नेचर है ना ही फिनिशर है, और आई थिंक सोलो जाने वाला है, बहुत पिट गया है, वो पिनफॉल भी करवा रहा है, जिमी गया, लास्ट दो आदमी बचे हैं हेड ऑफ द टेबल बनने के लिए, रोमन रेंस तो हेड ऑफ द टेबल है ही, जिमी उसो बन सकता है, एक सिग्नेचर एक फिनिशर, रोमन की बॉडी ऑरेंज, रोमन ने रिवर्स कर दिया, फिनिशर अभी भी नहीं है रोमन के पास, ना फिनिशर है ना सिग्नेचर, ये क्या कर रहे हैं रोमन, बहुत गलत मूव,
उड़ के क्लोज लाइन, लेकिन कैसे तो रिवर्स नहीं किया जिमी ने। रोमन का मूव बहुत गलत था लेकिन कनेक्ट हो गया तो सही है। जिमी ने फिर से ओके, फिनिशर आ चुका है रोमन के पास। गिलिटीन, मैच का पहला गिलिटीन लगा है। टैप आउट करेगा क्या जिमी? असली हेड ऑफ द टेबल के सामने टैप आउट कर दिया है, तो असली हेड ऑफ द टेबल गेम के अंदर भी हेड ऑफ द टेबल बन गया है भाई। तो जो बात थी वो क्लियर करते हैं। तो मैं आपका भाई अरमान एक्नॉलेज करता हूं कि असली हेड ऑफ द टेबल आज भी ब्लडलाइन के रोमन रेंस ही हैं। और अगर आपको ब्लडलाइन पसंद है तो आपको मेरी वीडियो रेसलिंग मीडिया की काफी पसंद आएगी, जहां पर मैंने ब्लडलाइन की पूरी स्टोरी बनाई भाई। बहुत ही मजेदार वीडियो है, और अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसे भी एक बार चेकआउट कर लेना, मजा आएगा। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, नया तो भाई सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।